So the two different types of solidarity as discussed by Emile Durkheim in the division of labor in society are the mechanical solidarity and organic solidarity. Now in this particular video, I'll discuss the difference between the two types of solidarity. A mechanical solidarity kya hai? The mechanical solidarity is the social integration that arises out of the homogeneity of members of a society. क्योंकि society में एक जैसे लोग हैं, homogeneity, एक जैसे लोग हैं, they perform the similar type of task, they share the same type of responsibility, they believe in the similar type of things. So there is homogeneity. This type of society is a simple society or the traditional society. And the solidarity is mechanical solidarity. On the other hand, organic solidarity is social integration that arises out of interdependence of members in the society. So the people, they depend upon one another because of extreme division of labor. Ab aisa kyun hai? Kyunki aur mechanical solidarity wahan hai jab jahan pe log ek jaise hain. ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी वहां है जहां पे लोग एक जैसे नहीं है पर एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. सो इट डिपेंड इट अकर्स इन सोसाइटीज दैट हैव वेरियस टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स. यहां पे होमोजेनिटी नहीं है. ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी वहां है जहां पे हेट्रोजेनिटी है, जहां पे डाइवर्सिटी है. पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट दे डिपेंड अपॉन ईच अदर. तो ऐसी सोसाइटी कहाँ होगी? मॉडर्न सोसाइटीज, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज. सो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज दे हैव ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी एंड प्री मॉडर्न सोसाइटीज हैव मैकेनिकल सॉलिडैरिटी. सो हियर इन मैकेनिकल सॉलिडैरिटी देयर इज लेस इंटरडिपेंडेंस, बट इन ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी जो कि कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में, मॉडर्न सोसाइटीज में, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में होती है, जहां पे देयर इज हेट्रोजेनिटी वेयर बाय पीपल डिपेंड अपॉन वन अनदर, देयर इज मोर इंटरडिपेंडेंस एंड देयर इज अ कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर. वेयर एज इन मैकेनिकल सॉलिडैरिटी विच इज देयर इन अ सिंपलर ट्रेडिशनल टाइप ऑफ सोसाइटीज, वहां पे मिनिमम डिवीजन ऑफ लेबर होती है. क्लियर? सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ सॉलिडैरिटी. नाउ द बेसिस ऑफ सॉलिडैरिटी इन मैकेनिकल सॉलिडैरिटी इज द रिजेम्बलेंस, इज सिमिलैरिटी. हियर द बेसिस इज डिफरेंस. क्योंकि वो अलग है, डिफरेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, दैट इज द बेसिस ऑफ सॉलिडैरिटी. यहाँ पे बिकॉज दे आर वन, दे आर अलाइक, दे आर होमोजीनियस, दैट इज द बेसिस ऑफ सॉलिडैरिटी. द नेचर ऑफ सोसाइटी हियर इज द प्री मॉडर्न सोसाइटीज और द प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज. हियर द नेचर ऑफ सोसाइटी इज द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज. सो द सब सिस्टम मीन्स हियर द सोसाइटी इज सेगमेंटेड, हियर द सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड. Here the population is less, the density of population is also less. Here the population is more, the density of population is also very high. In simpler societies there is less interdependence, in modern societies there is more independence. The social bonds, they are very strong in the traditional society. The social bonds are comparatively weaker in the modern industrial societies. So in two different types of societies mein, jahan pe two different types of solidarities hain, wahan pe law bhi two alag alag tarah ka hota hai. That is, in simple societies which are characterized by mechanical solidarity, wo ek jaise log hain, ek jaise cheezon mein believe karte hain, उनके लिए रूल्स बहुत सीक्रेट हैं, वो कलेक्टिव कॉन्शियंस में बिलीव करते हैं, वहां पे लॉ है रिप्रेसिव लॉ. मींस एनीवन हु गोज अगेंस्ट देयर कलेक्टिव मॉरल सिस्टम इज टेकन वेरी सीवियरली एंड इज पनिश्ड वेरी सीवियरली. वहां पे एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है जो कि